फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले दिनों जबरदस्त प्रदर्शन किया, लोगों को इसने मालामाल कर दिया, बहुत ही शानदार दौड़ा स्टॉक। लेकिन अब रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट की जो पॉजिटिव बातें थे वो भी सामने आ चुकी है, उसका जो इफेक्ट होना था वो भी हो चुका है। अब आगे क्या यहाँ से बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है, या फिर यहाँ पर बड़ी गिरावट आने वाली है, या फिर स्टॉक फिलहाल एक ही जगह पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, क्या संभावना बनती है ट्राइडेंट लिमिटेड में? क्योंकि काफ़ी लोगों ने ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाखों शेयर खरीदे हुए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जिसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और जिसने शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए निवेश किया हुआ है ट्राइडेंट लिमिटेड में, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसे दौराए पर आके स्टॉक खड़ा है जहाँ पर अब संभावनाएं बहुत कुछ बदल सकती है। और साथ में फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने इसके डिविडेंड के लिए भी निवेश किया है, उनके लिए अब रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। क्या कल हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलेगा? बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, तो उसका जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और ट्राइडेंट लिमिटेड में क्या हमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहिए या फिर हमें शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नज़रिया रखना चाहिए, तो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। मैंने आपके डर के लिए वीडियो नहीं बनाया, परंतु आपको सचेत करना मेरा काम है, क्योंकि रेगुलरली मैं आपको ट्राइडेंट के ऊपर वीडियो बना के अपडेट करते रहता हूँ और उसकी हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे पता है कि ट्राइडेंट में आगे क्या संभावना बन सकती है, तो आपको उसके साथ में सावधान करना मेरा ज़रूरी ये काम, क्योंकि काफ़ी लोग जब गिरावट होती है उसके बाद संभल नहीं पाते, उनकी जो प्रॉफिट होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके लिए समय समय में प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है, तो प्रॉफिट बुकिंग की क्या समय आ चुकी है, तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 40.45 पर, यही दिन भर की हाई है, लो है 38.80 का, और एंड में 39.40 पर करीब 1.25% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। फिलहाल स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में है, एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। बीएससी में 31,75,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 19,30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 60.78%, तो बहुत भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में काफ़ी कमी आ चुकी है। एनएससी की बात कर लेते हैं, 1,44,77,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 70,05,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 48.38% है। तो दोनों एक्सचेंज में डिलीवरी बेस ज़्यादा काम हो रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे लोग अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी देखने को हमें मिल रही है। और इसकी प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 7.10 इसका 52 वीक का लो है, 43.35 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक 39 पर है। अगर हम इसके रिटर्न को एक बार चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने शानदार लोगों को रिटर्न दिया है, 490% का बंपर रिटर्न मिला है। 3 ईयर में इसने 427% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने 274% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 79% का हमें शानदार रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से 36.43% का रिटर्न मिला है और 1 डे के हिसाब से 5% का रिटर्न मिला है। तो पिछले 5 साल में लोगों को इसने कभी मायूस नहीं किया, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग की बड़ी संभावना बन चुकी है, और जिस तरह से फिलहाल इसके जितने भी कमान में जो तीर थे वो सारे के सारे निकल चुके हैं, और यहाँ से अब एक पॉजिटिव बड़े ट्रिगर की संभावना बनेगी, तभी यहाँ पे तेज़ी बन सकती है, वरना यहाँ पे करेक्शन आएगा भी। और जो बड़ी बात यह है कि जो इसकी रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड के लिए वो भी आ चुकी है, यानी 29 अक्टूबर परसों इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो अब इसके लिए भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको भी कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट में आने में ही 2 दिन लग जाते हैं आपके शेयर को, तो अगर आप कल खरीदारी करते हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपका पर्पस डिविडेंड पाने का है तो फिलहाल उसमें निवेश के बारे में ना सोचे, वो डेट निकल चुका। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमको डिविडेंड कब मिलेगा, तो उसमें समय लगता है, इसकी रिकॉर्ड डेट आने के बाद में करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके अकाउंट में वो जो भी है डिविडेंड आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप धैर्य के साथ बने रहे, ये आपको डिविडेंड डेफिनेटली मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। रेगुलरली मैंने आपको कहा है, कल भी हमने उसके इन्वेस्टर के साथ में जो कंपनी ने शेयर किया वो डाटा सारा आपके साथ शेयर किया है, काफ़ी कंपनी ने अचीवमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी
हम बात कर रहे हैं शेयर की, ना कि कंपनी की। यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग की प्रबल संभावना बन चुकी है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा है। अगर इसके प्रदर्शन की हम बात करें तो 3.85 इसकी प्राइस थी 27 मार्च 2020 को, यानी 3 रुपये के आसपास स्टॉक था। वहाँ से आप देख लो 26 मार्च 2021 यानी एक साल में स्टॉक 13 तक पहुँचा है, यानी 3 रुपये के आसपास का स्टॉक था, दौड़ते हुए 13 तक पहुँचा, लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी। लेकिन 21 सितंबर से अभी यानी 23 रुपीज़ की प्राइस थी, अब वो 42 के आसपास जाके आई है। तो करीब एक महीने के अंदर स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, स्टॉक लगभग दुगुना हुआ है। तो यहाँ से इतनी बड़ी तेज़ी बन चुकी है कि यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली आएगी आएगी। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करेंगे तो स्टॉक यहाँ से अगर स्लिप होता है तो 39.27 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट है वो 38.63 का है, और स्टॉक अगर नीचे स्लिप होगा तो 37.67 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 40.87 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 41.83 का है, उसको भी अगर टारगेट को टच किया तो फिर 42.47 तक जा सकता है। तो बड़े टारगेट अभी निकल के नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे हमें तेजी अब नहीं दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्शन की संभावना प्रबल हो चुकी है, स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, और बड़ी तेज़ी के बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर आपने भी ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नज़रिया है तो मैंने आपको लगातार बोला है 40 रुपीज़ के आसपास ऊपर आपको प्रॉफिट बुक करनी ही है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें, स्टॉक नीचे जाएगा और वहाँ से फिर आपको खरीदारी का मौका मिल जाएगा, वहाँ पे फ्रेश एंट्री कर लें। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उसको स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि भले ही स्टॉक फिर से 30 हो जाए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले समय में ये जो हमने 5 साल के लिए इसका टारगेट दिया 500 रुपीज़ का वो बिल्कुल आएगा, तो आपको तो प्रॉफिट लंबा मिलेगा, आपको इस समय छेड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने शेयर बेच दिए तो फिर हो सकता है मौका न मिले उसमें खरीदारी का, इसलिए आप बने रहे। लेकिन जिसका नज़रिया शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है उनको बहुत अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि लगभग 1-2 महीने में ही प्राइस दुगुनी हुई है, तो मिड टर्म टारगेट भी लगभग अच्छी हो चुके हैं, तो इस समय उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक नीचे आएगा फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा क्योंकि बाजार में भी करेक्शन की संभावना बन रही है, तो आप खरीदारी करें। जो यहाँ पे फर्स्ट का सपोर्ट निकल के आ रहा वो है 36 का, उसके आसपास स्टॉक अगर वापस ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो फिर वहाँ पे स्टॉक तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर 35 को भी इसने तोड़ दिया तो फिर ये 30 के आसपास जाने की संभावना बन जाएगी। तो इस समय अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, यानी एक बार प्रॉफिट बुक कर ले इस समय, फिर आप 36-35 के आसपास खरीदारी की कोशिश करें, उसमें आधे शेयर ही खरीदें, बाकी की खरीदारी के लिए वेट करें। हो सकता है स्टॉक और नीचे जाए, 30 तक जाने की भी संभावना इसमें बन सकती है, तो फिर आपको वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट निचली तरफ से नीचे के प्राइस से अगर आप खरीदारी करते हो तो फिर आपका एवरेज 33 के आसपास हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिलहाल विचार कर ले, यानी आपको प्रॉफिट बुक करना है और फिर खरीदारी आपको 35 और 30 के आसपास करनी है, और 30 से नीचे जाने की फिलहाल संभावना स्टॉक की नहीं है। स्टॉक 30 के ऊपर ही दिखेगा, बड़ा करेक्शन आएगा तो भी स्टॉक आपको 30 के ऊपर ही दिखाई देगा, बड़ी इसमें गिरावट की संभावना है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसके बीच में अगर कोई पॉजिटिव शानदार न्यूज निकल कर आ गई तो स्टॉक में फिर से तेज़ी बन जाएगी। लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इस समय आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि प्रॉफिट बुक किए बगैर आपको कोई भी इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। प्राइस भले ही आज 42 हो जाए, अगर आपने शेयर नहीं बेचे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब। लेकिन फ्रेंड्स स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय इसका टारगेट बिल्कुल अचीव होगा और कंपनी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले समय में ये इंडिया का एक बड़ा नेशनल ब्रांड बन जाएगा और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो निवेश बनाए रखें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।